हाय, मैं हूँ चकोर। हाय, मैं हूँ सूरज। और 5 साल के बाद हमारे शो में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, ये देखिए जूम पर। होने वाले हैं चकोर और सूरज एक दूसरे से जुदा। जुदा होने से पहले सूरज और चकोर एक दूसरे के गले लग रहे हैं और दोनों की आंखें हैं नम। दरअसल चकोर को हो गई है 5 साल की सजा और अब वो 5 साल जेल में सूरज से जुदा होकर बिताएगी। चकोर के जेल में जाने से पहले सूरज उससे मिलने आता है। दोनों बहुत परेशान हैं और एक दूसरे को संभालते हैं। ये एक सॉर्ट ऑफ यही है कि दोनों एक दूसरे को संभाल रहे हैं कहीं ना कहीं। और चकोर सूरज फॉर द फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनल लग गया, रोने जैसा हो जाता है। चकोर भी सैड हो जाती है। सूरज मन से छोटा सा बच्चा ही है। yes. तो ये उसका माँ की तरह ख्याल भी रखती थी बीवी होते हुए। एक बीवी में सब कुछ होता है ना, इसलिए तो ये जा रही है तो बहुत मिस करने वाला है और इसलिए यहाँ पे इमोशनल सी बातें हो रही थी। जल्द ही सीरियल उड़ान लीप लेने वाला है और लीप से पहले सूरज और चकोर का ये लास्ट सीन था जहां दोनों एक दूसरे के हैं बेहद करीब और अपना दर्द एक दूसरे से बांट रहे हैं। लेकिन लीप के बाद सब कुछ बदलने वाला है। मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि पास आने के लिए दूर जाना जरूरी होता है, तो अगर हम बार बार साथ ही रहेंगे तो आप लोगों को क्या मजा आएगा। इसलिए हम हर बार थोड़ा सा दूर जाते हैं फिर पास आते हैं, थोड़ा दूर जाएंगे फिर पास आते हैं। क्योंकि हम लोगों को ब्रीफ मिल चुका है और हमें ऐसा लग रहा है कि जो आगे की स्टोरी है बहुत मज़ेदार है और लोगों को देखने में बहुत मज़ा आएगा। yes. तो स्टे ट्यून्ड और मज़ा उठाइए लीप का। अब देख लीजिए शो में लीप के बाद क्या हुआ चकोर का। चकोर अपनी 5 साल की जेल की सजा काट कर बाहर आ गई है और जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि सूरज बैंड बाजे और गांव वालों के साथ उसे लेने आया है। सूरज उसे गोद में उठा लेता है और सभी डांस करते हैं। चकोर ये देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन ये सच नहीं क्योंकि ये तो चकोर इमेजिन कर रही है। हाँ, पर मैंने एक अच्छा सा सपना तो देख लिया जिसकी वजह से सुबह सुबह उठ के मुझे आना पड़ा। मुझे 5-6 बार गोदी में उठा के आज मुझे हाँ भारी पड़ा सपना। तो गोद में उठा के मुझे 2-2 जगह शूट करना पड़ता था। गोद में उठा के मैंने डांस किया तो मेरे को बहुत मजा आया और मेरे पापा भी बहुत अच्छे अच्छे डांस कर रहे थे तो मुझे बहुत मजा आया। वेल, असल में तो चकोर को कोई लेने नहीं आया है, ना ही सूरज ना ही कोई गांव वाले। चकोर इस समय बिल्कुल अकेली है और शो में लीप के बाद कहानी बिल्कुल बदल जाएगी और आएंगे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। वैसे अब शो का प्रोमो देखकर तो लगता है कि चकोर को अपने आजाद गंज को फिर से आजाद करवाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और अब इमली के आतंक को खत्म करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट जब्बीर अहमद के साथ शांतनु भटनागर, जूम, मुंबई। फॉर ऑल द गरमा गरम बॉलीवुड गॉसिप न्यूज एंड मोर, डाउनलोड द जूम ऐप नाउ।